राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत जिले के 4,115 वरिष्ठ नागरिकों को उनकी दिव्यांगता के अनुसार कृत्रिम अंग का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि आगामी 4 फरवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा संकुल में एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न ब्लॉकों के चयनित लाभार्थियों को उपकरण वितरण किया जाएगा। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि सभी 19 ब्लॉकों से पात्र चयनित लाभार्थियों को बसों के द्वारा विश्वविद्यालय तक लाया जाएगा। इसके लिए एआरटीओ द्वारा 190 बसों की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि पुरुष एवं महिला के लिए अलग अलग दिव्यांग फ्रेंडली शौचालय कार्यक्रम स्थल पर तैयार कराए जाएंगे, साथ ही कुछ मोबाइल शौचालय भी वहां उपलब्ध रहेंगे। डीएम ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मौजूद रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा शिविर है और भारत सरकार का जो विभाग है दिव्यांग कल्याण का और जो उत्तर प्रदेश शासन का विभाग है, ये लोग सम्मिलित रूप से करा रहे हैं। क्रियान्वित जिला प्रशासन के रूप में हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले महीने में अपने सारे ब्लॉक्स में बहुत बड़े कैंप्स लगाए थे, जिसमें हमारे दिव्यांगजन आए थे और पूरी टीम्स ने उनका परीक्षण किया था और उनको चिन्हांकित किया था। तो ये संख्या हमारे जिले में 4,100 जो लोग उस दिन कैंप में आके अपना लाभ प्राप्त करेंगे। लाभ प्राप्त करने में हम लोग उनको ट्राइसिकल्स दे रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 700, और व्हील चेयर्स दे रहे हैं उनको, हम लोग उनके डेंचर्स बना के दे रहे हैं जो दांत होते हैं, उनको चश्मे बना के दे रहे हैं, उनको हियरिंग एड दे रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको स्मार्टफोन दे रहे हैं, वॉकिंग स्टिक दे रहे हैं, बैसाखी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। व्यवस्था इसकी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में रहेगी और माननीय मंत्री भारत सरकार भी आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। सर कहाँ आवेदन करेंगे लोग विकलांग? नहीं, आवेदन नहीं करना, वो तो कैंप में चिन्हांकित हो चुके हैं और उनको जानकारी हो गई है, उनको हम लोग विभिन्न ब्लॉकों से हम ही लोग लेके आएंगे और यहाँ उनको पढ़वाएंगे।